वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सच में यार क्या लेवल के चोर हैं यहाँ पे। हाउ मच फॉर दिस वन? दिस वन 70। तो भाई यहाँ पे आपको जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं लगभग लगभग 90% यहाँ पे सभी चोरी की हैं। और ये भाई अपने यहाँ पे जो हाई लेवल नशा होता है वो करने वाला है। Hey, good morning guys and welcome to the city of Nairobi, Kenya. भाई अभी हम अप टाउन से निकल के पहुंच चुके हैं डाउन टाउन में और यहाँ पे आते ही आपको पता चल गया होगा हालत हल्ला गुला पाँ 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 पाँ। आधा नहीं मुझे तूरा जो आधुनिक हुआ ना यहाँ पे लेकिन मुझे ही ले आप कोई कता ही ले आप मुस्तूफिश। यार बसों को सजाने का यहाँ पे बहुत क्रेज है, बहुत करेज है सच में। भाई जो असली वाला कल्चर है ना आपका केन्या का अफ्रीका का वो आपको डाउनटाउन में दिखेगा क्योंकि पहले वाली जगह पे तो सभी सभ्य सभ्य लोग थे, हाई क्लास लोग, दिखावा ज़्यादा था वहाँ पे, बट यहाँ पे रियलिटी है। यहाँ पे देखो भाई रोड के ऊपर ही सारा सामान बेचा जा रहा है, नॉट लाइक अपटाउन, जस्ट लाइक केन्या, जस्ट लाइक अफ्रीका। मांबो। तो ये हम लोग अभी पहुँच चुके हैं भाई यहाँ की गाड़ियों की चोर मार्केट में और इसके बाद जाने वाले हैं एक जो लोकल चोर मार्केट है वहाँ का। हाँ क्या अंडे फूट गए? बच गया। तो भाई यहाँ पे आपको जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं लगभग लगभग 90% यहाँ पे सभी चोरी की हैं। यहाँ पे लाने के बाद ये लोग सभी स्पेयर पार्ट्स खोल के यहाँ पे टांग लेते हैं, किसी को लाइट चाहिए तो लाइट ले जाओ, गाड़ी को मतलब पूरा कबाड़ कर देते हैं। ये देखो सामने जैसे कि इंजन विंजन निकाल लिया इसका, बोम मार ले के बच्चों वाली म्यूजियम को देखने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ के लोकल मार्केट में। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे जो सेकंड हैंड सामान होता है मोस्टली चोरी का होता है। ओके ये ब्लैक मार्केट है, यहाँ पे खुला चलता है, ऐसे कोई पुलिस वगैरह आगे परेशान नहीं करता मार्केट में? नो 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 लीगल। लेट्स एक्सप्लोर इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है मार्केट में। यहाँ पे जूते 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 देख देख के बोर हो गया मैं केन्या में तो। इस शॉप के अंदर क्या क्या मिलेगा, कोई मालिक तो नहीं दिख रहा मेरे को। फिर दो ना नहीं है। हे ब्रदर विच माइक्रोवेव इज दिस, विच कंपनी, विच कंपनी माइक्रोवेव इज दिस कंपनी? या यू डोंट नो द कंपनी? ओके हाउ मच फॉर दिस? 75। दैट इज नॉट माइक्रोवेव, दैट इज ओवन, दिस इज ब्रेकफास्ट मेकर, कॉफी मेकर। ओके एग्स नीनी 750 शिलिंग्स और 7000। 7500। ओह दैट्स टू मच, गिव मी सम कंसेशन। कंसेशन गेट, जस्ट टेल मी द फाइनल प्राइस। आई एम गोइंग टू मेक इट 7, आई गिव यू ओनली 7। जस्ट फिक्स अबाउट द प्राइस फर्स्ट ना। ओके हाउ हाउ मच इफ आई से 2000? नो 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 हां 7000। नाउ यू आर नॉट गिविंग मी अ गुड प्राइस, यू आर नॉट गिविंग मी अ गुड प्राइस। ओके मेक इट 6, आई गिव यू 6800. You are coming only this much low? No. It's expensive. It's quality. Okay, let me check around the market. Okay, you check. And this is brand new or like what to say, second hand? This is XUK, second. Second hand? Yeah. Stolen or what? You see, it's almost new. Okay, thank you. Let me check and I will come back. Why? Have you asked me what? You have asked me, Ati, stolen or what? Yeah, some people say na that these market products are like stolen. They are just second hand that people have sold out, na? That is an abusive language. Yeah? It's not good. Okay. Yeah. They are not telling right. They are not telling right. We believe in God. If I sell stolen goods, I want to prosper. But I talk for my side. Uh-huh. For somebody else, I can. I'm not sure. Okay. On my side, I'm sure. If we... Sorry from my side. Yeah? Sorry from my side. Okay? Okay, okay, okay. भाई ये लोंडे क्या चुरा लाए इतना बड़ा? भाई ये लोंडे क्या चुरा के लाए हैं इतना बड़ा? अभी भी डायरेक्ट चुरा के ला रहे हैं? ओके सेम थिंग। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं हम असली वाले चोरों के अड्डे के ऊपर। यहाँ पे आपको एक से एक इलेक्ट्रॉनिक चीज मिल जाएगी, चाहे आपको 1950 का टीवी रिमोट चाहिए हो तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई रॉकेट का कोई भी उपकरण चाहिए ना भाई
वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सच में यार क्या लेवल के चोर हैं यहाँ पे। ये जो सामने दुकान दिख रही है देख रहे हो आप कितना पुराना पुराना सामान रखा हुआ है। चलो आगे आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी पता चल गया कैमरा है तो फिर लफड़ा हो सकता है, उस चीज़ का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आगे आगे का दिखाने वाला हूँ आपको, अपना फेस कम दिखाऊंगा। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हाय मामू, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग। डू यू हैव ए कार्ड रीडर? मेमोरी कार्ड? Memory card, card reader of the phone. No? Where I can find? Memory card reader. I usually have it, but now I don't have. Okay, now you don't have. Where I should check? Check from this guy here. This one? Yeah. Oh. Thank you. Oh, Mohatarma. Hey brother, do you have a memory card? Yeah. Sandisk? Yeah. Give me whatever you have. Above 8 GB. Let me confirm. Confirm. Okay, I can come inside. Come. ये भाई की प्यारी सी दुकान। The original. 128. It's too big. How much for this? This one you give me 2000 only. 2000? Yeah. That's too much. अरे और कितना रुपया कम, कितने पैसे कम कर देते हैं? कितने का बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 12000. 12? 2000, 2000. 2000. 128 GB लेकिन बड़ा है। कितने का होना चाहिए? ये मैं पूछ रहा हूँ वैसे पैसे कम कर देते हैं या ये फिक्स? करेंगे करेंगे। कितने के आसपास हाफ कर देंगे इसका? मेरे को अब अच्छी तरह पता नहीं है इनकी प्राइस क्या है। This one is SanDisk or what? SanDisk, this one. 32 GB. This one is very small. It's original. We can even test. 32 GB. No, the condition is not good. Scratches everywhere, no? No. It can crash every time, anytime. Not every time. Just believe me, because the videos I took, they are very precious. I can't, like, take a chance. Okay. Just tell me the right price for this one. What? Tell me a good price for this. Maybe 1900. 19, no, you are. How much? If I just give you 1000 bucks. Uh-huh. You are a big mudir. You go, jayega, jayega. Hoga, nahi hoga. Kana kaya. Kana kaya? Chai piya. Just say 1200. No, not possible, not possible. Possible price from? This one already, you know, to be honest. Mm-hmm. This one I bought already. It's the wrong time. This is a dead stock for me. I bought it 1800. This one. Okay, thank you. भाई मार्केट देखो यार कैसा लगता है, मैं किससे कंपेयर भी नहीं कर सकता, ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था मैंने। भाई पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पे मार्केट तो देखिए मेरे को हॉन्टेड वाली क्यों फील आ रही है। और अभी पहुँच चुके हैं सबसे फैंसी वाले मार्केट के अंदर। यहाँ पे आपको टॉयलेट सीट्स, जैकूजी, सिंक, ये सब मिलेगा, सब कुछ बाथरूम से रिलेटेड। ये वाला नहीं लेकिन कुछ अमीर लोग बाथरूम में भी भाई बियर का स्पेशल फ्रिज रखता है। ये इसमें चोरी का भी होता है ऑक्शन वालों का। सब दो नंबर ब्लैक मार्केट। ये भाई इसमें काफ़ी कुछ चोरी का भी मिलेगा, आपको हालत देख के पता चल जाएगा। बाकी जो भी है ये मतलब नीलाम हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि पैसा उठाता है कोई तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके पास में रखना पड़ता है तभी पैसा देता है। टाइम पे नहीं दे पाता तो फिर उसका प्राइस होता है रियल मनी से 3 से 4 गुना ज़्यादा, तो फिर जैसे नीलाम हो जाता है। अच्छा कितना अच्छा वाला फील आ रहा है यहाँ पे देख देख के, पता नहीं पॉजिटिव वाइब्स। How much for this one? This one 70. Yeah. This one 50. This one 40. It's not that much strong. Just tell me like how much the after negotiation, tell me the right price. That's the last price. That's the last price? Yeah. I'm promoting your shop at Nairobi, okay? Yeah. I'm just promoting.
Yeah. You will be promoted. Yeah. That's why I just tell the right price so people can trust you. So this one, it works like a jacuzzi. Jacuzzi, I know jacuzzi. Because of hot water. But there are no lights in your jacuzzi. It's not that much fancy. The way you build it, you can add some frames. Yeah, but this one, it's a normal one. How much for this one? 50. Yeah, 50. They're second hand or what? Yeah. Second hand. Yeah, the new, this one can get for around 120. 120, okay. Yeah, 70 वैसे ज़्यादा नहीं यार, 2-2.5 लाख 3 लाख तो सैलरी होती है यहाँ पे नॉर्मल ठीक ठाक की ना, जो बाहर से आया बंदा। अच्छा प्राइस है यार ये, इंडिया के हिसाब से आप लगा के चलो 10-15 हज़ार। थैंक्स। भाई अभी जा रहे हैं हम, सबसे मस्त वाली चीज़ जो मेरे को नैरोबी में लगी, यहाँ पे गाड़ियों में तो पेंट करते हैं, डूडल्स बनाते हैं, वो जगह देखने ऐसा कुछ ये लोग बनाते हैं, ये लोग बना रहे हैं। और ये भाई अपने यहाँ पे जो हाई लेवल नशा होता है वो करने वाले भाई, काफ़ी जगह तो ऐसी जहाँ पे लोग ऐसे जॉम्बी की तरह पड़े रहते हैं बिल्कुल। और यहाँ से आप अपने जूते खरीद सकते हैं अगर मार्केट में किसी ने चुरा लिए तो। तो भाई काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ देख के और काफ़ी सारे काफिरों से मिलने के बाद, काफिर ही बोलेंगे ना। सुनता नहीं है वो, जो नहीं सुनता वो काफिर, जो नहीं सुनता वो काफिर है, जो गलत करता है। हम पहुंच चुके हैं वापस अपने वाले लोकेलिटी में, मुस्लिम क्लब के पास में। और भाई आज मेरा निकलने का इरादा था यहाँ से मोमबासा, लेकिन घूमते घूमते टाइम 4:30 हो चुका है, शाम का 3 बजे ट्रेन था मेरा, 2 दिन हो गए निकलता जा रहा है। मुस्लिम क्लब के सामने मस्जिद है और इधर पे स्कूल है भाई, बहुत मस्त स्कूल है ये। उस स्कूल के अंदर जा सकते हैं हम लोग, इस स्कूल में भाई क्लब की एंट्री ना बिल्कुल पाकिस्तान वाली वाइब्स देती है, बाघा बॉर्डर।